नमस्ते, आप सबको मेरी ओर से नमस्ते और मेरे व्यूअर्स को मेरी तरफ से नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज मैं बनाने जा रही थी उड़द की दाल का वड़ा। तो ये दाल को मैंने रात में भिगो के रखा है और अब मैं इसको मिक्सी में अच्छे से पीस लूँगी और दाल को अच्छा बारीक और एकदम महीन पीसना है। और फिर इसको पीसने के बाद 1 घंटे के लिए रख देंगे, फिर बाद में इसका वड़ा बनाएंगे। दाल को मैंने मिक्सी में अच्छे से महीन पीस लिया है और अब इसमें 1 चुटकी नमक डालेंगे और थोड़ा सा हींग भी डाला था और इसको अच्छे से फेंट लेंगे। फेंटने के बाद मेनू वड़े को बनाते हैं, जिससे हमारा मेनू वड़ा खूब बहुत अच्छा सा फूले और ये सांभर के साथ खा सकते हैं, इडली सांभर के साथ। चम्मच से मैंने इसको अच्छे से फेंट लिया है और 1 घंटे के लिए पहले रख दिया था, जिससे हमारा मेनू वड़ा एकदम स्पंची बने। कढ़ाई अभी गर्म हो चुकी है तो अभी इसमें तेल डाल देते हैं और दाल को चम्मच से बहुत अच्छे से फेंटे, जिससे हमारा मेनू वड़ा एकदम अच्छा बने। और अगर आपको टेस्ट करना है कि हमारा वड़े की दाल फिटी है या नहीं, तो थोड़ा सा पानी लेके इसमें इसको डाल के देख ले तो ये ऊपर तैरने लगेगा, तो मतलब कि हमारा ये देखिए ऊपर तैर रहा है, तो हमारा दाल अच्छे से फिट गया है। तेल गर्म हो चुका है तो अपना मेनू वड़ा ऐसे करके इसको रोल बना के अब आँच मीडियम रखे हैं। अभी देखिए हमारे मेनू वड़ा कितने फूले फूले बने हैं। थोड़ा अभी हल्की थोड़ा सा जब ये हो जाए तो इसको पलट दें और अच्छा करारा सेके मेनू वड़ा को पानी लगा के आँच गैस की धीमी रखें, जिसे अंदर तक सके। देखिए हमारे मेनू वड़ा कितना फूल गए हैं और फूलने के कारण वो फट गए हैं और ये बहुत अच्छे बने हैं। अभी मेनू वड़ा सब तैयार हो चुके हैं और एकदम करारे बने हुए हैं। ये देखिए ये अंदर से एकदम अच्छे से करारे सिक चुके हैं और मेनू वड़ा का स्वाद सांभर के साथ बहुत अच्छा लगता है। तो खाएं खिलाएं सबको और बताएं, एकदम आसान डिश है ये बनाने में। और फिर मैं एक दिन दही वड़ा बनाऊंगी तो मैं उसकी रेसिपी भी आप सबके सामने बना के दिखाऊंगी कैसे आपको लगा। और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करके बताएं। धन्यवाद।